बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। सात मार्च को लगेगी आग, इस आग की तपिश से झुलस जाएंगे आप। आखिर क्या होने जा रहा है सात मार्च की रात? उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों का शोर सात मार्च को थमने जा रहा है और इसी शांति के साथ एक बड़े तूफान की सुगबुगाहट महसूस की जा रही है। ये तूफान है महंगाई का, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब को हिलाकर रख सकता है। कैसे, समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच की तपिश का असर पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। लगातार बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के क्रूड ऑयल मार्केट में उथल पुथल जारी है। रूस एक दिन में 1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक मांग का लगभग 10% है। तनाव के चलते सप्लाई लाइन बिगड़ने के साथ ही ईंधन की कमी 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अब समझिए कितना उबल रहा है तेल। नवंबर 2021 में क्रूड ऑयल की कीमत $81.05 प्रति बैरल थी। दिसंबर 2021 में ये कीमत घटकर $74.17 प्रति बैरल थी। नए साल के पहले महीने में क्रूड ऑयल की कीमत $86.51 प्रति बैरल पर पहुंची। वहीं फरवरी आते आते तेल में जबरदस्त उबाल आ गया और ये कीमत $99 प्रति बैरल पर पहुंच गई। अब समझिए तेल के खेल में आपकी कमर कैसे टूट सकती है। तेल कंपनियों ने 3 नवंबर 2021 से पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। बाजार में बढ़ती कीमतों का बोझ तेल कंपनियों ने आपकी जेब पर नहीं डाला है। अब सवाल उठता है क्यों नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण पिछले सालों का ट्रेंड बता रहा है कि चुनाव के दौरान सरकार जनता को खुश करने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाती है। आएगी तो, और ऐसे में 7 मार्च को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और रिजल्ट 10 मार्च को आ रहा है। अब पूरी पूरी उम्मीद है कि 7 मार्च की रात या फिर 10 मार्च की रात लग सकती है पेट्रोल में आग। और ये भी समझ लीजिए, कच्चा तेल $1 प्रति बैरल महंगा होने पर देश में पेट्रोल डीजल के दाम औसतन 55 से 60 पैसे प्रति लीटर बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल $100 पर पहुंचा तो पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं, जिससे आपको चौतरफा महंगाई यानी दूध, फल, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी झेलनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।